वैसे तो आपने भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक जाबाज योद्धाओं के बारे में सुना होगा या उनके बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, मुगल बादशाह अकबर, राजा पोरस। हालांकि आपने विदेशी धरती के योद्धाओं के बारे में बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विदेशी धरती के कुछ महान और ख़तरनाक योद्धाओं के बारे में, जिन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर अपना साम्राज्य बनाया और अपना नाम कमाया। तो चलिए जानते हैं योद्धाओं के बारे में। नंबर एक, अलेक्जेंडर तृतीय। अलेक्जेंडर तृतीय को दुनिया का महान योद्धा भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया देश का राजा था। अलेक्जेंडर को दुनिया जीतने का जुनून था। उनके अंदर एक अलग ही काबिलियत थी, जिसके कारण उन्होंने दुनिया के कितने ही देश जीते। इतिहास के इस महान योद्धा के जन्म के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन माना जाता है कि अलेक्जेंडर का जन्म 20 जुलाई 365 ईसा पूर्व में हुआ था। कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने अपनी शिक्षा के लिए अरस्तु द्वारा पढ़ाए जाने का इंतजाम किया था। वह युद्ध में सेनाओं के साथ उतर जाता था। गंभीर घाव के बाद भी उनका साहस कम नहीं होता था, बल्कि वह और तेजी से लड़ना शुरू कर देता था। अपने इस हौसले के साथ उन्होंने लगभग आधी दुनिया को अपने कब्जे में कर ही लिया था। नंबर दो, चंगेज़ खान। चंगेज़ खान, जिसने 1162 से लेकर 1227 तक शासन किया, वह एक मंगोल शासक था। उसने मंगोल शासन के विस्तार में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि चंगेज़ खान एक क्रूर शासक था, लेकिन वह मंगोलों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। जब मंगोलों का समय बहुत ख़राब चल रहा था, ऐसे में चंगेज़ खान के आने के बाद मंगोल साम्राज्य बढ़ता ही गया। जब वह अपनी सेना लेकर जंग में उतरता था, तो कोई भी उसके सामने आने से कतराता था। इसी कारण उसने चीन में भी जीत हासिल की थी। चंगेज़ खान ने पोलैंड, वियतनाम, सीरिया, कोरिया जैसे देशों तक आगे बढ़ते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चंगेज़ खान ने अपने शासन के दौरान व्यापार को भी काफ़ी बढ़ावा दिया था। कहते हैं कि चंगेज़ खान ने अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली का निर्माण भी किया था। 1227 ईसा पूर्व में चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई थी। नंबर तीन, लियोनाइडस। आपने 300 फिल्म तो जरूर देखा होगा, और इस फिल्म को जब भी हम देखते हैं तो उन 300 स्पार्टन सेना का जज्बा और हिम्मत हमें देखने को मिलता है, जिनके आगे यूनानियों की बहुत बड़ी सेना ने भी घुटने टेक दिए थे। और इस छोटी सी सेना का नेतृत्व स्पार्टन के राजा लियोनाइडस ने किया था। वह अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है। लियोनाइडस के जन्म के बारे में कोई सटीक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि 480 ईसा पूर्व में थर्मोपाइल के युद्ध के दौरान अपने 300 स्पार्टन सेना के साथ अकेले ही पर्शिया का सामना किया था। यूनानियों की बहुत बड़ी और ख़तरनाक सेना होने के बावजूद भी लियोनाइडस ने हार नहीं मानी। उन्होंने 300 होने के बाद भी बड़ी यूनानी सेना को घुटनों पर ला दिया था। नंबर चार, रिचर्ड ऑफ इंग्लैंड। रिचर्ड को रिचर्ड द लायन हार्ट भी कहा जाता है। रिचर्ड का जन्म 8 सितंबर 1157 में ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। रिचर्ड के पिता का नाम हेनरी द्वितीय था। रिचर्ड अपने तीसरे धर्म युद्ध के कारनामों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि उन्होंने अपने 10 साल के शासनकाल में सिर्फ 6 महीने ही इंग्लैंड में बिताए थे। रिचर्ड के पास शुरुआत से ही राजनीतिक और सैन्य क्षमता थी। वह इंग्लैंड का राज दूर दूर तक फैलाना चाहते थे। यही कारण है कि वह घर से ज़्यादा बाहर ही रहते थे। उन्हें लायन हेड इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि वह बिना दुश्मन की ताकत जाने ही उससे लड़ने निकल पड़ते थे। उन्हें कभी भी इस बात का डर नहीं था कि वह मर जाएंगे, वह तो बस लड़ना चाहते थे। नंबर पाँच, हैनिबल। हैनिबल का जन्म 247 ईसा पूर्व उत्तर अफ्रीका में हुआ था। हैनिबल अपने काल के सबसे बड़े सैन्य नेताओं में से एक थे। किस युद्ध को किस तरह की रणनीति से चलाना है, इसका ज्ञान उन्हें अच्छी तरह से था। 201 से 218 ईसा पूर्व तक उन्होंने रोम में चल रहे द्वितीय पियोनिक युद्ध को अपनी मृत्यु तक जारी रखा था। हैनिबल के पिता भी सेना में ही थे। जंग के दौरान ही उनकी मौत हुई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद हैनिबल ने कसम खाई कि वह रोमन गणराज्य के लिए लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने अकेले ही पूरी जी जान लगा दी रोमन राज्य को बचाने के लिए। युद्ध में उनकी रणनीतियों के कारण ही उन्होंने कितनी ही लड़ाइयाँ अपने नाम की थी।
नंबर 6 शाओडन। शाओडन चीन के प्रसिद्ध हान राजवंश के एक सैन्य जनरल थे। माना जाता है कि वह अपने समय में सबसे कुशल योद्धा थे। चीन के कितने ही भीषण युद्ध में शाओ ने एक योद्धा के रूप में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। शाओडन एक भरोसेमंद जनरल माने जाते थे। कितने ही बड़े युद्ध की कमान खुद शाओ ने संभाली थी। ऐसे ही एक युद्ध में उन्होंने अपनी एक आंख खो दी थी। एक तीर उड़ता हुआ सीधा उनकी आंख पर लग गया, जिसके कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। एक आंख खो जाने के बाद भी उनकी वीरता पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद तो उन्हें एक आंख वाले महान योद्धा के रूप में देखा जाने लगा। उन्होंने आंख खोने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ा और कई युद्ध अपने नाम किए। नंबर 7 व्लाद द एम्पेलर। व्लाद द एम्पेलर 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे, जो यूरोप में ऑटोमन के विस्तार के दौरान रहते थे। व्लाद द एम्पेलर का जन्म 1431 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने अपने शासनकाल में करीब 3 बार चीन पर राज किया था। माना जाता है कि वह बहुत क्रूर थे। वह क्रूर तो थे ही, मगर इनके साथ ही वह एक अच्छे योद्धा भी थे। वह जंग को किसी सनकी व्यक्ति की तरह लड़ते थे। वह जंग में तो दुश्मनों के सैनिकों को मारते ही थे, मगर पकड़े गए सैनिकों के साथ वह और भी बुरा करते थे। व्लाद के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए माना जाता है कि व्लाद द एम्पेलर ने 1,00,000 लोगों को अपने पूरे जीवन में मारा था। नंबर 8 अर्मेनियस। अर्मेनियस को 9 से 1600 ईस्वी के दौरान जर्मनी का एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था, जिसने जर्मनी की तरफ से रोमन पर जीत हासिल की थी और सेना का नेतृत्व भी किया था। जर्मन और रोमन के बीच हुई जंग के कारण ही अर्मेनियस इतना प्रसिद्ध हुआ। जंग में उन्होंने सबके सामने अपना साहस दिखाया। वह जंग में किसी शेर की तरह जाते थे और रोम की बड़ी सेना को धूल चटा के आया करते थे। उन्हें रोम में कोई खौफ नहीं था, वह तो बस उन्हें ख़त्म करना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। नंबर 9 काउंट रोलैंड। काउंट रोलैंड एक महान फ्रांसीसी योद्धा माने जाते हैं। फ्रांसीसी इतिहास में उन्हें एक लोकनायक माना गया है। काउंट रोलैंड ने फ्रांसीसी के लिए कई अच्छे काम किए थे, इसलिए उनका जिक्र वहाँ की वीरगाथाओं में हुआ करता था। उन्हें ब्रिटेन के पास नियुक्त किया गया था। उनका काम दुश्मनों को ब्रिटेन पर कब्जा करने से रोकना था। जब तक काउंट वहाँ पर रहे, उन्होंने कितने ही दुश्मनों को रोका। सामने आने वाले हर खतरे का उन्होंने डट के सामना किया। नंबर 10 सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। सलाउद्दीन अयूबी का जन्म 1138 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने बचपन में ही काफ़ी महत्वपूर्ण शास्त्रों की पढ़ाई कर ली थी। इन्होंने कुरान शरीफ के साथ साथ खगोल विज्ञान, गणित और कानून की शिक्षा भी हासिल की थी। वह एक महान योद्धा थे। सलाउद्दीन ने युद्ध में जीती गई संपत्ति का इस्तेमाल करके बहुत से स्कूलों, अस्पतालों और संस्थाओं को बनवाया था। जब ईसाइयों की क्रुसेडर सेना मुस्लिम साम्राज्य को ख़त्म करने सलाउद्दीन के सामने आ खड़ी हुई, क्रुसेडर सेना यूरोप के उन ईसाइयों की फौज थी जो मुस्लिमों को दुनिया से ख़त्म करना चाहते थे। इस दौरान 1187 में इस्लामिक और क्रुसेडर फौजों के मध्य हदीन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सलाउद्दीन ने अपनी युद्ध नीति का बखूबी इस्तेमाल किया और क्रुसेडर सेना को धूल चटाई। युद्ध जीतने के बाद सलाउद्दीन ने क्रुसेडर का देश जेरूशलम अपने कब्जे में कर लिया। जेरूशलम में रहने वाले ईसाइयों को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं सलाउद्दीन की फौज उनकी हत्या न कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सलाउद्दीन ने एक सच्चा मुस्लिम होने का सबूत देते हुए वहाँ के लोगों को खुलकर जीने का हक दिया और उन्हें सम्मान भी दिया। साल 1193 में महज 57 साल की उम्र में सलाउद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ महान और ख़तरनाक योद्धा जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो में बताया। और आपको कौन सा योद्धा सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।